अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है साथ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद आरिफ सलीम और आप देख रहे हैं MHS इन्फो। आज आपका भाई फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, नए रिव्यू के साथ। तो जैसा कि आपके सामने है, आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। थंबनेल में आपने चेक कर लिया होगा, ये है फैंसी असेंबलियाँ, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यूनिवर्सल है, CDI 70 125 में, दोनों में ही आराम से फिट हो जाती है। तो चलें अनबॉक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे रैप में आ रही है, ऐसे शॉपर में, इसके अंदर करते हैं तो चेक कीजिए। असेंबली सेट है इसकी, अनबॉक्सिंग कर ली हमने। तो ये है राइट हैंड की असेंबली है, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये हेडलाइट का बटन है, इसमें तीन ऑप्शन दिखते हैं आपको, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये इसका लीवर आ गया, ये ब्रेक का लीवर है, यहाँ पे साइड मिरर फिट होता है और यहाँ पे एक्सेलेरेटर केबल फिट होगी। ये ब्रेक स्विच है, इसमें चेक कर सकते हैं ब्रेक स्विच। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है ये असेंबली, राइट हैंड की, ये चेक कर सकते हैं। इसके ये ग्रिप आ गई, वायरिंग चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी वायरिंग है इसमें। और ये इसकी ग्रिप है, ये ब्रेक स्विच के दो क्लिप हैं, इसका लीवर और ये असेंबली। ये इसके हाई लो बटन है हेडलाइट के, और बीच में हॉर्न बटन दिया हुआ है, ये चेक करें आप लोग। ये बीच में हॉर्न बटन और साइड में हाई लो ऑन ऑफ बटन है हेडलाइट का, ये चेक करें। ये हो गई राइट हैंड की, और ये चेक करें अब ये लेफ्ट हैंड की आ गई। तो इसमें इंडिकेटर दिए हैं साइड में, नीचे वाली तरफ ये इंडिकेटर ऑफ हो गए, ये राइट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर, और ये आ गया डिमर, हेडलाइट डिमर आ गया। ये चेक कर सकते हैं इस वाली में से, ये ऑन ऑफ, ऑन ऑफ हाई, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, और ये लॉन्ग हो गई, सही है। तो ये राइट हैंड, और ये चेक कर सकते हैं इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इंडिकेटर आ गए, ये चेक करें, और ये डिमर आ गया। और सेम एक्चुअल वैसे ही इसमें लीवर आ गया, ब्रेक स्विच दोनों तरफ है इसमें, अगला ब्रेक स्विच चेक कर सकते हैं आप लोग। इसमें ग्रिप दी हुई, अगर आपकी वायरिंग में ग्रिप है तो ग्रिप लगाएं, और इस तरीके से क्लिप है तो इस तरीके से क्लिप मिलाएं। ब्रेक स्विच दो ऑप्शन है इसमें दोनों तरफ, और ये आ गए इसके असेंबली के ग्रिप है, वायरिंग ग्रिप जो वायरिंग से कनेक्ट होगी, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये असेंबली थी, यूनिवर्सल असेंबली है, CDI 70 यूनिक सुपर पावर सुपर स्टार बायोनिक सारी जितनी बाइक्स हैं, होंडा में भी ये फिट हो जाती है आसानी से, और यहाँ तक के होंडा 125 और जो कुछ मॉडिफाई करते हैं बाइक्स उसमें भी ये आराम से, जैसे यूनिक 100 हो गई, सुपर पावर 100 हो गई, डेलेक्स विलेक्स हो गई, विदाउट सेल्फ वाली उसमें भी आराम से असेंबल हो जाएंगी। तो ये असेंबली थी, अगर किसी भाई को ऑर्डर देना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 03172846006, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अगर चाहिए। प्राइस मैं आपको यहीं मेंशन कर देता हूँ, प्राइस है इसके 2200 रुपीज़ की असेंबली सेट मिलेगी आपको। अगर किसी भाई को चाहिए वही रब्ता करें, बाकी मैंने आपको डिटेल इसकी बता दी, अनबॉक्सिंग कर दी, ये चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफिज़।